Good morning, students. We are doing long form exercise, page number 93. Till 8 we have done. Now we are today we will start from exercise number. Sorry, question number 9. J four jungle styles banana. फिर ये slipping line 27. जब भी मैंने बताया था आपको. ये डिविडेंड है हमारा, ये डिवाइजर है, और जो आंसर आएगा वो हमारा क्वेश्चन होगा. जो हमारा टेबल, जो नंबर यहाँ लिखा होता है बाहर, उसकी टेबल बोलते हैं हम लोग, जहां तक ये नंबर जो हमारा अंदर लिखा हो वहां तक आ जाए. जितने टाइम्स वो नंबर आता है वो ही हमारा आंसर होता है. तो यहाँ लिखा है 9 और यहाँ लिखा है 27. अब हम 9 की टेबल बोलेंगे. 9 ones are 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27. कितने टाइम्स आया बच्चों 9 की टेबल में 27? 3 टाइम्स. तो हमने यहाँ 3 लिख दिए और ये 27 इसके नीचे लिखा माइनस का साइन लगाकर. 27 में से 27 सेम नंबर जब भी माइनस होते हैं वी ऑलवेज गेट 0. हमें हमेशा आंसर 0 मिलता है. ये हम पहले भी पढ़ चुके. 1 minus 1 0, 2 minus 2 सेम नंबर जब भी माइनस होते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है 0. अब हम कर लेते हैं 11 टेंथ करवा दो बच्चों. 8 ऐसे बनाना है 40. टेबल बोलनी है तो बाहर नंबर लिखा है. कितने टाइम्स बोलनी है जब तक कि हमारा दिए नंबर हमें ना मिल जाए. तो 8 की टेबल हम बोलना स्टार्ट करेंगे. 8 ones are 8, 8 twos are 16, 8 threes are 24, 8 fours are 32, 8 fives are 40. कितने टाइम्स आया? 45 टाइम्स. तो हमने यहाँ 5 लिख दिए. ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन. ये 40 हमने इसकी यहाँ कर दिया, माइनस का साइन लगाया, सेम नंबर माइनस 0. ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सारी लॉन्ग फॉर्म करनी है. हम बराबर इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे. मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस अगर आपने छोड़ दी तो प्लीज उसको रिवाइज करते रहिए. एडिशन सब्ट्रैक्शन भूल जाएंगे वरना. फिर हम आते हैं 13 में. 2 की टेबल में 18 क्विकली आना चाहिए. 2 की टेबल में 18 आता है 9 टाइम्स. तो ये हमारा 9, 18 और ये माइनस और ये 0. तो हमारा क्वेश्चन आ गया 9. फिर हम कर लेते 15, 7, 28 आ जाए और भी बहुत कुछ आएगा डिवीजन में आपके, पर इतना अभी इतना ये प्राइमरी स्टेज है, इसको सीखे. इसमें परफेक्ट हो जाएंगे फिर आगे वाला जो स्टेज है वो इजीली कर पाएंगे. अब हम आ जाते हैं 19 में. 8 70 2. 8 की टेबल में 72 कितने टाइम्स आता है? 8 की टेबल बोल के देखेंगे आप. 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 48, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64, 8 9s are 72. कितने टाइम्स आया बच्चों? 9 टाइम्स. ये हमारा आ गया 9, ये 72, ये माइनस 0. तो इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है. तो ये पूरा आप 20 तक तो बुक में सॉल्व कर लीजिए और फिर इसको कुछ 1 2 अपनी चॉइस से 2 और 3 कॉपी में कर लीजिए. फिर हम आते हैं स्टोरी सम्स ऑन डिवीजन. जो डिवीजन पे जो हमारे स्टोरी सम्स भी हैं, जैसे हर एडिशन के भी थे, सब्ट्रैक्शन के भी थे, मल्टीप्लाई भी थे, तो डिवीजन के भी स्टोरी सम्स हैं, उसको हम लोग करते हैं. ठीक है, हम स्टोरी सम्स ऑन डिवीजन पेज नंबर 94. 42 फ्लावर्स, फर्स्ट वाला तो सॉल्व है फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. 42 फ्लावर्स आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 6 वासेस. हाउ मेनी फ्लावर्स डज ईच वास गेट? तो अब हमारे पास क्या है ना, 6 वास, मतलब जो ये फ्लावर पॉट्स होते हैं उनके अंदर आपको 42 फ्लावर्स को अरेंज करना है. मैंने कहा था ना पहले भी, डिवीजन इज डिवाइड इक्वली इन ग्रुप, इक्वल उसको डिवाइड करना है. तो जो हमारा जो 42 है फ्लावर्स उसको हमने आगे रखा है नंबर, फिर डिवीजन का साइन लगाया और कितने वास में उनको डिवाइड करना है?
सिक्स में, तो हमने सिक्स यहाँ लिखा है और सिक्स की टेबल बोली है कितना टाइम्स बोलना, कितना बार, कब तक बोलगी, जब तक हमें 42 नंबर ना मिल जाए। तो 42 नंबर जब हमें मिल गया, कितने टाइम्स मिला वो, 7 टाइम्स, तो हमारा आंसर आ गया 7। तो कितने फ्लावर्स लग जाएंगे ईच वास में, 7 फ्लावर्स। चलिए अब टू वाला कराती हूँ। 3 चिल्ड्रन शेयर 12 टॉफीज इक्वली, हाउ मेनी टॉफीज डज ईच चाइल्ड, क्वेश्चन नंबर 2। दो चिल्ड्रन कितने हैं, 3 है। और टॉफीज कितनी है, 12। टॉफीज जो है वो है 12। अब इन 12 टॉफीज को इन 3 चिल्ड्रन में हमें डिवाइड करना है, हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब कैसे कर पाएंगे हम लोग, तो जो हमारी टॉफीज है वो ज्यादा नंबर में है उसको रख देंगे हम यहाँ पहले, फिर साइन लगा देंगे डिवाइड, क्योंकि हमें डिवाइड करना है, बच्चों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है टॉफीज को, तो ये हमने साइन यहाँ पे लगा दिया। चिल्ड्रन कितने हैं, 3, ये लगा दिया। अब इक्वल, अब टेबल कौन सी बोलेंगे, जो छोटा नंबर में, बार बार बताया डिवीजन के पीछे वाला साइन के पीछे वाला जो नंबर है, 3 की टेबल बोलेंगे, कब तक बोलेंगे, जब तक हमें 12 का मिल जाए। तो 3 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स। Each child will get 4 toffees. हर बच्चे को कितनी टॉफी मिल जाएगी, 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये 4 toffees। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें क्या है, 40 लड्डूज आर पैक्ड इक्वली इन 4 बॉक्सेस, हाउ मेनी लड्डूज आर देयर इन ईच बॉक्स। अब लड्डू है 40, क्या है जो हमारे लड्डू, जो छोटा बेबी को बहुत पसंद है ना, देखते हो आप लोग छोटा बेबी, उसको लड्डू खाते ही ताकत आ जाती है एकदम, तो 40 लड्डूज हैं और बॉक्सेस कितने हैं, 4, 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4, ये हमारे बॉक्सेस हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है, he's asking us, how many लड्डूज will each box have? कितने लड्डूज एक बॉक्स में होंगे, ये हमें बताना है। 40 लड्डूज टोटल लड्डूज दे रखे हैं, टोटल बॉक्स दे रखे हैं, उन्होंने इसको पैक किया है, तो अब हमें ये पता लगाना है कि, तो सबसे पहले हम यही करेंगे, टोटल जो हमारे पास लड्डू है कितने हैं, 40, और बॉक्सेस कितने हैं, 4, डिवाइड का साइन लगा के हम लोग 4 लिखेंगे, और इक्वल टू, तो अब वही हमें करना है, डिवीजन के पीछे जो नंबर है, छोटा नंबर जो है उसका टेबल बोलना है, और कब तक बोलना है, जब तक हमें ये नंबर 40 ना मिल जाए। तो 4 की टेबल 40 कितने टाइम्स आता है, क्विकली बताइए, जूम पे होता तो आप शायद आंसर भी देते होंगे, तो 4 की टेबल में जो 40 वो 10 टाइम्स आता है, तो कितने लड्डू हो जाएंगे, 10 लड्डूज इन ईच बॉक्स, हर बॉक्स में कितने लड्डू हो जाएंगे, 10 लड्डूज। अगर हम इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की मेथड से करेंगे तो भी इजीली ये हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप करिए, देर मैं बता देती हूँ, समझा देती हूँ आपको। देर आर 36 चिल्ड्रन इन अ क्लास, जैसे हमारी क्लास है, हमारी क्लास में 36 चिल्ड्रन है, दे आर डिवाइडेड इंटू 4 हाउस इक्वली, जैसे आप लोगों का 4 हाउस है ना, पृथ्वी अग्नि अंबर और वरुण, उसी तरीके से उन 36 बच्चों को 4 हाउसेस पे डिवाइड किया है, करना है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन ईच हाउस, अब 36 चिल्ड्रन है, हाउसेज 4, तो सबसे पहले 36 चिल्ड्रन हाउसेज 4, तो 36 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, ये आप करेंगे, मैंने अभी हिंट बता दिया आपको। फिर है 5, अ बॉक्स होल्ड्स 40 बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, एक बॉक्स है इसके अंदर जो सॉफ्ट ड्रिंक की जो बॉटल्स है वो 40, जैसे लड्डूज थे वैसे ही, द बॉटल कैप्स आर कैप्ड इन 5 इक्वल रो, इस बॉक्स में इस तरीके से 5 रो में ऐसे रखी जा रही बॉटल्स, ये एक रो में 5, नेक्स्ट पर जैसे आप लोग पैटर्न सिटिंग अरेंजमेंट जैसे होता है वैसे बॉटल्स को भी 5 5, फर्स्ट रो में 5, नेक्स्ट में 5, नेक्स्ट में 5। हाउ मेनी बॉटल्स आर कैप्ड इन ईच रो,
अब फाइव रोज बनाई, 1, 2, 3, 4, 5 फाइव रोज में इनको जो बॉटल्स को रखा गया है, और बॉटल्स कितनी है हमारे पास 40। तो कैसे करेंगे, तो बॉटल्स तो है हमारे पास 40 और रोज कितनी बनाई है, रोज बनाई है 5। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले बॉटल्स ले आएंगे, टोटल नंबर है हमारा पहले रखेंगे, और फिर जो हमें जितने में डिवाइड करना है, जितने बॉक्सेस में फिट करना है, जितनी रोज बतानी है वो नंबर हम लिख देंगे। अब 5 की टेबल में 40 आता है, कितने टाइम्स आता है बताइए, 5 8 8 40। तो हमारे पास रो बनेगी 8। तो आपका होमवर्क जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको कॉपी में सॉल्व करने हैं। होमवर्क इज योर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपको कॉपी में करना है, बाकी जो आपकी स्पेस दी गई है उसके पास ही आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो 6 नंबर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सोनाली इज मेकिंग फ्रेंडशिप बैंड्स, ईच बैंड विल हैव 8 बीट्स। सोनाली जो गर्ल है वो फ्रेंडशिप बैंड बना रही है, और ईच बैंड, हर बैंड में कितने बीड्स हैं, कितने मोती हैं, 8। हाउ मेनी बैंड्स कैन शी मेक विथ 56 बीड्स, बीड्स उसके पास 56 है और ईच बैंड हैज 8 बीड्स, 8 बीड्स है, तो वो कितने बैंड्स बना पाएगी, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और 6 आपको कॉपी में करना है, ऊपर पूरा डालिएगा हेडिंग स्टोरी सम्स ऑन डिविजन, और बाकी इसी के सामने आप जैसे मैंने सॉल्व कराया है उसी तरीके से आप किसी बुक में ही सॉल्व कर लीजिए। ओके बच्चों।